नमस्कार दोस्तों, मैं आपको फ्रेंड ओमी राजपूत एक फ्रेंड वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियों में कि ये जो ABS लिखा रहता है ये क्यों लिखा हुआ है। ये ABS यहाँ पर साइड में भी देखा है तो ये BS खोल लिखा है। ये 2518 क्यों लिखा रहता है हर गाड़ियों में? अधिकांश देखा होगा आपने ABS लिखा रहता है और इस साइड देखोगे आप तो BS खोल लिखा रहता है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ ABS की। तो ABS का फुल फॉर्म होता है, अगर देखा जाए तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। और यदि ये काम करने का बताया जाए कि काम कैसे करता है, तो दोस्तों पहले की आपने गाड़ियाँ देखी होंगी कि पहले की गाड़ी में यदि हम जैसे ही ब्रेक मारते थे तो गाड़ी खिसकते हुए आगे चली जाती थी। लेकिन ये जो सिस्टम जब डाला गया है इसमें ABS वाला एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, अब आप जैसे ही गाड़ी का ब्रेक मारोगे तो गाड़ी वहीं की वहीं थम जाती है। पहले क्या होता था, गाड़ी खिसकते हुए आगे चली जाती थी तो दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था, हम दूसरी गाड़ी में एक्सीडेंट कर देते थे। लेकिन अभी क्या है, ABS जो सिस्टम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये ऐसा है कि एकदम से पकड़ लेता है ब्रेक को। इंजन कंट्रोलिंग के साथ में चलता है ये। इसमें क्या होता है, इंजन भी साथ में कंट्रोल करता है और ब्रेक भी साथ में पकड़ता है। तो ये हो गया अपना ABS। और दोस्तों इसी जगह में अगर बात करिए BS4 की, तो BS4 दोस्तों क्या होता है, BS4 तो आपने देखा होगा पहले BS3 गाड़ी आती थी, अब आने लगी BS4। BS4 में सबसे पहला बदलाव करा है, तो सबसे पहला बदलाव इसमें ये कर दिया है कि अपनी गाड़ी प्रदूषण मुक्त हो गई है, अपनी गाड़ी अब धुआं नहीं देगी। BS4 आप जो भी गाड़ी देखेंगे उसका कितना भी एक्सीलेटर आप दोगे ना तो इसका धुआं नहीं देगी। दूसरी चीज़, BS4 में क्या बदलाव करा है कि इनने BS4 में कैपेसिटी बढ़ा दी है। क्या जो नोजल होती, नोजल में पहले BS3 में 3 नोजल में छेद होते थे, जो इंजन के पास नोजल रहती थी डीजल सप्लाई होती है, अभी इसमें 4 छेद देखेंगे आपको नोजल में। कभी भी इसकी नोजल निकाल के देखेंगे ना, 4 छेद है नोजल में, जो कि प्रेशर बढ़ा दिया इंजन की, कैपेसिटी बढ़ा दी इंजन की। तो ये BS4 हो गया। और जो 2518 है, तो दोस्तों 2518 आप देख सकते हैं 18 फुट की ये गाड़ी है और 25 टन ये ले जा सकती है। अशोक लेलैंड की ये गाड़ी है। और दोस्तों बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा इस तरीके की। और आइए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ BS3 और BS4 में फ़र्क क्या क्या है। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको फ़र्क। दोस्तों जितनी भी BS4 गाड़ियाँ हैं आपको मैं दिखाऊं, तो उसमें फ़ैन लगा के दिया है, मतलब ब्लोवर जो होता है फ़ैन, AC का सिस्टम। ये BS4 गाड़ियाँ जितनी भी हैं सब में ये ब्लोवर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये फ़ैन चालू हो जाता है, अभी तो बंद है, ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये फ़ैन चालू हो जाएगा। BS4 में ये हर गाड़ी में दिया है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, ये ब्लोवर तो दिया ही है फ़ैन। और इसी जगह में मैं आपको BS3 गाड़ी दिखाता हूँ जिसमें कि ये चीज़ नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये हमारे सामने BS3 मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मॉडल हो चुका है, पुरानी गाड़ी है ये हमारी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसमें वो सिस्टम जो मैंने आपको बताया फैन ब्लोवर वाला, तो इसमें नहीं दिया गया है। देख सकते हैं ये सिर्फ एक डिग्गी टाइप में दी हुई है, ब्लोवर नहीं है, ना इसमें कोई स्विच दिया हुआ है फैन को चालू करने के लिए। देख सकते हैं ये है हमारी BS3 गाड़ी। हाँ आप देख सकते हैं मीटर तो डिजिटल मीटर दिया, ABS भी दिया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें फैन नहीं दिया क्योंकि ये BS3 गाड़ी है। BS4 में बहुत सा बदलाव करा है दोस्तों। यह दोस्तों हमारा BS4 हाई मिलर कंक्रीट मिक्सर ट्रक बोलते हैं इसे, इसके अंदर कंक्रीट जाती है। आज मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर किस टाइप की रहता है, और आपने बहुत से देखे होंगे इस टाइप के रहते हैं ये, लेकिन इसके अंदर नहीं देखा हुआ। आज मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर कैसा रहता है और कंक्रीट किस तरीके से इसमें अंदर जाती है। तो दोस्तों ये ऊपर इसमें मुंह लगा हुआ है, यहाँ से कंक्रीट जाती है, इतना बड़ा इसका मुंह है, इससे इसमें कंक्रीट अंदर जाती है। और मैं अगर अंदर दिखाऊं तो इसमें इस तरीके का अंदर गोल गोल छल्ले लगे हुए हैं, छल्ले टाइप के। इसमें ब्लेड लगी रहती है, रिंग होते हैं जिसे हम रिंग बोलते हैं, और ये गोल गोल घूमता रहता है जिसमें कि कंक्रीट जाम ना हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया मिलर के अंदर, और BS4 और ABS का बारे में आपको बताया।
इसके बाद में मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को। भारत माता की जय दोस्तों।